बड़ी खबर जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। 6 या 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों में चुनावी तारीखों का भी ऐलान होगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल और इसके साथ ही दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। 6 या फिर 7 चरणों में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है। कुछ राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी होगा। तो बड़ी अपडेट यहां पर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल है और दोपहर 3 बजे का वो समय जब चुनाव आयोग इसका ऐलान करेगा। वहीं 6 या फिर 7 चरणों में ये चुनाव कराया जा सकता है। कुछ राज्यों में चुनावी तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे का समय, कल 3 बजे चुनाव आयोग इसका ऐलान कर सकता है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ये कल ऐलान और चुनाव आयोग 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। वही आचार संहिता भी इसी के साथ ही लागू हो जाएगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान और दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, देखिए दोपहर 3 बजे कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ऐलान कर सकता है, इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल दोपहर 3 बजे उनकी तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है और काफी दिनों से है कि विलंब हो गया है। 2010 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया था लोकसभा चुनाव का, लेकिन अब विलंब हो गया है। तो कल जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल वो प्रेस वार्ता के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर देंगे और उसी के जरिए देश में आचार संहिता भी लग जाएगा और ये जानकारी भी सामने आ जाएगी कि इस बार कितने चरण में चुनाव हो रहे हैं और किस किस राज्य में कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि अगर आप 2019 पर निगाह डालें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 7 चरण में चुनाव हुए थे, अंतिम चरण तक चुनाव हुए थे और कुछ राज्य थे जो पहले ही चुनाव हो गए। तो इस बार की क्या व्यवस्था चुनाव आयोग की होती है तो ये सब कल जानकारी आ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलंब हो चुका है 5 दिन, क्योंकि दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे और दोनों प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भर दिए गए हैं। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है और उसके बाद उन लोगों की तरफ से बैठक की गई। चुनाव आयोग की तैयारी बहुत पहले ही हो चुकी है चुनाव को लेकर, बस सिर्फ कहें तो ऐलान बाकी था और वो भी अब समय और तारीख सामने आ गया कि कब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा। जी वही विकास, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही घोषणा हो जाएगी इसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसे में अगर मोटा मोटा समझे तो क्या कुछ बदलाव होंगे आचार संहिता के लागू होने के बाद? नहीं, देखिए ये जो चुनाव आयोग का जो नियम है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है उसके हिसाब से जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाता है कि चुनाव कब कितने चरणों में होंगे, कब कब होंगे, किस राज्य में कब मतदान होंगे, चुनाव परिणाम किस दिन आएंगे यानी काउंटिंग किस दिन होगा, जैसे ही सारी जानकारी दी जाती है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की घोषणा भी कर दी जाती है कि अगर तत्काल प्रभाव से होता है तो होता है कि जैसे चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया वो तत्काल प्रभाव से ही आचार संहिता लागू हो जाता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो ऐलान करे और वो एक टाइम और डेट बता दे कि अब इस वक्त से और इस डेट को आचार संहिता लग जाएगा, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाता है। तो कल 3 बजे जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा तो उसी वक्त से देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियां भी जो चुनावी अभियान चलाना है कल के बाद से अपनी शुरुआत कर देंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए 6 या 7 चरणों में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है और कुछ राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है इस दौरान। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का जहां एक और कल ऐलान, तो वहीं चुनाव आयोग दोपहर कल 3 बजे शेड्यूल भी इसको लेकर के जारी कर सकता है।